22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से तो कांग्रेस आलाकमान ने दूरियां बना ली, निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद ही कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। अब कई बड़े पार्टी के जो नेता हैं, कई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कांग्रेस के इस फैसले की निंदा की। कुछ ने इसे कांग्रेस की एक बड़ी गलती तक कह दिया, जिसका खामियाजा भविष्य में भुगतेगी ये भी कहा गया। इतना ही नहीं, अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात करें तो उन्होंने कहा कि अब राम का कोप जो है वो कांग्रेस पर आना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आपस में हो रही इस फूट को समेटने के लिए, इसे सही करने के लिए और अपने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने के फैसले से जो डैमेज हो रहा है पार्टी को, उसे कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई और इसके तहत 15 जनवरी को सरयू नदी में स्नान करने के लिए अयोध्या पहुंच गए। लेकिन यहां राम भक्तों ने इनका जो स्वागत किया तो इनके मुगालते ही धुल गए हैं। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद सनातनी वोटर्स इनसे रूठ गए, साथ ही साथ कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा भी इनसे नाराज हुआ। अब क्योंकि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को मनाना है और अपनी बात को सही साबित करना है कि वो राम भक्त तो हैं लेकिन बीजेपी के आयोजन से दूरी रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया और इसी प्लानिंग के तहत उत्तर प्रदेश इकाई सोमवार को मकर संक्रांति पर अयोध्या के रामलला के द्वार पहुंच गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरयू में डुबकी लगाई, स्नान किया, भगवान राम को आस्था का प्रतीक भी बता दिया। इस दौरान यूपी कांग्रेस के प्रमुख जो हैं अजय राय, उनके साथ पार्टी के अन्य नेता जैसे विनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे। इन सभी ने अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाई। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हमारा मानना है कि राम सबके हैं, भगवान राम हर व्यक्ति के भीतर है। यह पहली बार नहीं है जब मैं अयोध्या आया हूं, एक साल पहले रामलला की पूजा करने के लिए यहां आया था। कांग्रेसियों को ये बताना पड़ रहा है सनातनियों को कि भाई वो राम में मानते हैं, वो पहले भी आए थे, अभी भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, बस 22 को ही नहीं आएंगे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि आज मकर संक्रांति के अवसर पर एक बार पुनः अयोध्या पहुंचकर पवित्र सरयू नदी में स्नान कर मां सरयू का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, जय सियाराम। यानी अब कांग्रेसियों को भी जय सियाराम कहना पड़ रहा है। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, चुनाव नजदीक है तो जय सियाराम तो कहना ही होगा, क्योंकि आजकल एक नया हैशटैग ट्रेंड हो रहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। शायद कांग्रेस इसी ट्रेंड को ध्यान में रखकर ये डैमेज कंट्रोल करने निकली थी, इसलिए जय सियाराम के साथ उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया। इसी मामले में कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि आज हम भगवान राम के दर्शन करेंगे, मकर संक्रांति का शुभ दिन है, हमने सरयू नदी में पवित्र स्नान किया। इस दौरान अयोध्या दौरे पर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्री नेत भी पहुंची थी और उन्होंने बीजेपी नेताओं पर यहां से ही जुबानी हमला शुरू कर दिया। सुप्रिया श्री नेत ने कहा कि हम रामलला के दर्शन के लिए आए हैं, इसे राजनीतिक कहना बीजेपी की गलती है, सच तो यह है कि बीजेपी धर्म के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है। तो अविनाश पांडे ने कहा कि हम मकर संक्रांति पर भगवान राम के दर्शन करेंगे, पवित्र स्नान करेंगे। यानी सारे कांग्रेसी जितने भी वहां पहुंचे थे वो सब भगवान राम राम की जयकारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि हम भगवान राम के लिए ही यहां पहुंचे हैं, पहले भी पहुंचे थे, और कांग्रेस भगवान के नाम की राजनीति करती है, हम राजनीति नहीं करते, हम उनमें यकीन रखते हैं। अब कांग्रेस भले ही कितना भी चिल्ला ले कि वो सनातनी है, वो राम में भरोसा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित आयोजन में शामिल नहीं होने के फैसले से हर सनातनी नाराज है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का भी एक बयान आया। अब डिप्टी सीएम, क्योंकि वहां की जो सरकार है सभी जानते हैं कि वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी के ही हुए, तो उन्होंने भी उन पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे किसी के भी अयोध्या धाम जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, आज लोग कांग्रेस का दोहरा चरित्र देख रहे हैं, एक तरफ उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, दूसरी तरफ उन्होंने राम मंदिर के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है। अब यह तो हो गई बात राजनीति की कि किस तरह से वो जो डैमेज कांग्रेस ने किया है, कांग्रेसियों ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे ही कांग्रेसियों के सरयू में स्नान करने की जानकारी कुछ भक्तों को लगी, उन्होंने जब कांग्रेस की गाड़ी देखी, वहां कांग्रेस की गाड़ी से उन्होंने झंडा उतार लिया, इस झंडे को तोड़ा भी गया। राम भक्त कांग्रेसियों को देखकर नाराज हो गए, उन्होंने उनकी गाड़ी से कांग्रेस का झंडा निकाला, उसे तोड़ा और धक्कम मुक्की हो गई वहां।
श्री राम मंदिर के बाहर लोगों को कांग्रेस का झंडा तोड़ते देखा गया। इसका वीडियो है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इस मामले में अयोध्या कांग्रेस महिला प्रभारी रेणु राय ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने हमारी पार्टी का झंडा छीना, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, यह शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है। मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह सबका है। अब भले ही कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन राम भक्त तो उनसे रूठे हुए हैं, उन्हें मनाना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर होगी। और भाई क्यों ना हो, क्योंकि जिस कांग्रेस ने ये कहा कि वो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाना चाहती या शामिल नहीं होगी, तब कांग्रेस ये भूल गई थी कि ये वही राम मंदिर है जिस राम मंदिर का सपना हर सनातनी पिछले 500 सालों से देख रहा है। ये वही राम मंदिर है जिसका सपना सच होने पर मुस्लिम वर्ग भी हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस खुशी के दिन को मना रहा है। ये वही राम मंदिर है जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और फिर कहीं जाकर इस मामले में जो है फैसला आया। फैसला आने के बाद राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया गया और अब कहीं जाकर राम मंदिर बनकर तैयार है। बीजेपी चाहे कहे या ना कहे, लेकिन हमेशा से ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर रहा है और कांग्रेस हमेशा राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है हमेशा बयानबाजी करती रही है। यार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तक कहा गया कि राम मंदिर के लिए बीजेपी कहती तो है कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख बता दी गई है तो कांग्रेस जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहती, जिसके चलते सनातनी वोटर्स को ये लगने लगा है कि कांग्रेस सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए उनके साथ आकर इस आयोजन में भी शरीक नहीं होना चाहती, जिससे सनातनी नाराज है। और नाराज इस कदर नाराज हैं कि इस तरह का वाकया, जब वो राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे तो भक्तों ने, राम भक्तों ने उनकी गाड़ी से झंडे निकाले, झंडे फाड़े और ये छीना छपटी का जो वीडियो है जो आपको हमने दिखाया है ये आपने अभी देखा। इस पूरे मामले में अगर ध्यान से देखा जाए या सोचा जाए तो क्या तस्वीर उभरती है? साफ तौर पर यह तस्वीर उभरती है कि जनता जो है वो कांग्रेस और कांग्रेसियों की इस राजनीति से ऊब चुकी है और कहीं ना कहीं हर सनातनी वोटर ये चाहता था कि कांग्रेस इस मामले से राजनीति को दूर रखे, जैसा कि कांग्रेस नहीं कर पाई और हर बार की तरह उसने वही किया जो वो करती है, यानी कि सनातनी या यूं कहें कि देश के विचारधारा के विरुद्ध जाकर कांग्रेस इस बार भी खड़ी है। अब इस पूरे मामले पर जो यहाँ मामला हुआ है, जिस तरह से कांग्रेसी वहाँ गए, उन्होंने सरयू नदी में पवित्र स्नान किया, राम मंदिर दर्शन के लिए पहुँचे और उनके साथ जो ये हुआ है, उनकी गाड़ियों से जो झंडे निकाले गए और उसे जिस तरीके से फाड़ा गया, धक्का मुक्की हुई, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।